यहाँ तक हो गया था अपने पास पिछले वीडियो में, मुझे नहीं नोट किया उसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका, उसके बाद देखो। ये आ गया था अपने पास, अब देखो। यहाँ से आएगा 1/2 i ए, बाहर क्या आ जाएगा अपने पास, 1/d - i इंटू sec(ax) माइनस 1/ डी प्लस आयोटा इंटू sec(ax) निकाल क्या रहे हैं अपन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन विशिष्ट समाकल। तो देख 1/d - α किस रूप में दे रखा है अपने को, 1/d - α इंटू qx, और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या बता रखा है, e^(α(x) इंटीग्रेशन e^-α(x) qx इंटू डी। तो ये देखो t(i) = 1/2 i, यहाँ से करेंगे इसको तो ये बनेगा अपने पास e^(α(x) करेंगे तो आयोटा एक्स इंटीग्रेशन e^-α(x) और यहाँ क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, sec(ax) इंटू डी। माइनस यहाँ कोष्टक लगा लेना क्योंकि पहले मल्टीप्लाई में क्या है अपने पास बाहर माइनस e^(α) क्या लिखेंगे, यहाँ पर e^(i)(ax) इंटीग्रेशन e^(α) क्या है -α, e^(-i)(ax) sec(ax) इंटू डी। pi = 1/2 i, ये हो जाएगा e^(i)(ax) यहाँ से देखो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऐसे कैसे, अपने पास क्या आ जाएगा e^(-α(x) इसकी वैल्यू लिखनी है, और ये अपन जानते हैं क्या होता है cos(ax) - i(sin(ax) मल्टीप्लाई में क्या है अपने पास sec(ax)(b), ये होगा माइनस, ये देखो क्या होगा इंटीग्रेशन e^(-α(x)
क्या आ जाएगा अपने पास, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इंटू sec x into d, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। नोट कर लो इसको, इसके बाद देखो इसके बाद था अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वन अपॉन टू आयोटा ए की पावर आयोटा एक्स, और ये क्या है कोस एक्स, और ये क्या है सेक एक्स। तो e की पावर आयोटा एक्स कोस एक्स और मल्टीप्लाई में सेक एक्स, तो वन अपॉन कोस एक्स इक्वल टू सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस, यहाँ से देखो e की पावर आयोटा एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये कोष्टक लगा देना मजलो डी एक्स माइनस सेक एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचेगा अपने पास ई की पावर आयोटा एक्स और साइन एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा वन अपॉन कोस एक्स, तो माइनस ई की पावर आयोटा एक्स ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन आल्टा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये तो क्या होगी पहली स्टेप होगी माइनस, सेकंड स्टेप में ये लिख देंगे ई की पावर माइनस आल्टा एक्स, तो कोस एक्स मल्टीप्लाई होगा सेक एक्स वो ही कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस वापस से प्लस है अपने पास ए की पावर माइनस आयोटा एक्स इंटीग्रेशन आयोटा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखो ये कोष्टक है मजा, फिर ये इन दोनों में बंद है और इसके बाद कम तीनों कोष्टक लग रहे, नोट कर लो इसको। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वन अपॉन टू आयोटा ई की पावर आयोटा एक्स ये हो गए टू डी एक्स, एक्स हो जाएगा यहाँ से, तो क्या दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा एक्स
माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स और इंटू क्या हो जाएगा अपने पास एक्स, इंटीग्रेशन में डी एक्स करेंगे तो क्या होगा एक्स, या फिर इंटीग्रेशन डी एक्स इन दोनों में से लेंगे तो फिर से क्या ले लेंगे माइनस बाहर ले लेंगे और माइनस आयोटा बाहर ले लेंगे, ये बच जाएगा ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स।